नेक्स्ट इज ए सिक्स। ए सिक्स में कह रखा है कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास कॉस फाइव बाई टू प्लस थीटा। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कॉस फाइव बाई टू प्लस थीटा, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू है और इसमें प्लस थीटा है, कॉस इज का साइन तो आएगा, सही बात है गलत बात? हाँ सर, ये माइनस साइन थीटा ही होगा। ये साइन थीटा आएगा, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फाइव बाई टू प्लस थीटा, फाइव बाई टू प्लस थीटा। सर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव में कॉस कॉस नेगेटिव रहता है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सर? पर कॉस फाइव बाई टू में प्लस थीटा आया कहाँ से? क्या कह रहे हो सर, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ से आया? ऑप्शन ए है ना, अच्छा ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं। इसने बोला कि माइनस साइन थीटा किस किस के इक्वलेंट है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए चेक किया, क्या उसके इक्वलेंट है? ऑप्शन हाँ है सर, सर, ये तो तो माइनस करेक्ट साइन है थीटा के सर, ये इक्वलेंट है। मल्टीपल सर करेक्ट आ रहा मल्टीपल है। करेक्ट है ना? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर, ऑप्शन बी क्या दे रखा है? ऑप्शन बी दे रखा है कॉस फाइव बाई टू माइनस थीटा, तो फाइव बाई टू माइनस थीटा है तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग आना तो साइन थीटा चाहिए। आपको पढ़ाया ना ये फर्स्ट रूल सेकंड रूल? एक रूल तो ये हाँ होता है सर, कि हाँ आर सर, प्लस माइनस फाइव, और एक रूल ये होता है कि टू एन प्लस वन फाइव बाई टू प्लस माइनस फाइव, है ना? तो इस रूल के अकॉर्डिंग सर नहीं, क्या कह रहे हो? ये नहीं समझना है कुछ। कौन सा नहीं समझता बताओ? कुछ भी नहीं समझा ये ट्रिगोनोमेट्री में करवाया है ना बेटा, ट्रिगोनोमेट्री में एडीए सर ने नहीं करवाया क्या? पढ़ा है। वहां पे सिखाया है ये कि पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू है और इसमें कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉस की जगह साइन आएगा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कर रहे हो तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो कॉस की जगह साइन यूज होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ये प्लस साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि माइनस साइन थीटा किसके इक्वलेंट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्लस साइन थीटा के इक्वलेंट है, माइनस साइन थीटा के इक्वलेंट थोड़ी ना है, तो ये हमारा आंसर हाँ नहीं। सर, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस पाई, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, राइट? यस सर, तो साइन ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा, जो कि प्लस पाई ऊपर से मेजर करते हैं अपन, प्लस पाई को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो माइनस पाई को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, राइट? हाँ सर, तो माइनस पाई प्लस सर तो ये भी थीटा, माइनस साइन थीटा आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर आया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, सही बात है गलत बात? यस सर, हाँ सर, अगला दे रखा है हमारे पास साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई तो पाई प्लस का दे रखा है, तो पाई ऊपर से मेजर करेंगे प्लस थीटा, है ना? तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो ये भी माइनस साइन थीटा के इक्वलेंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, ये भी तो सर अभी कौन ए सा और क्वेश्चन चल रहा डी है? तीनों है। सर क्या पूछ रहे हो? अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ए सिक्स चल रहा है, लिख रखा है ना ऊपर, ए सिक्स का फोर्थ ऑप्शन है ये पाई प्लस थीटा, ये सी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, चार ऑप्शन बताए, ठीक है? हाँ सर, आगे चलता हूँ। ए सेवन में डाउट है, ए सिक्स हो गया भाई, सभी बच्चों को समझ में आया ए सिक्स? हाँ सर, हाँ सर, ए सेवन में क्या दे रखा है?
x1 is equal to 8 sin theta, x2 is equal to 6 cos theta, x1 plus x2 ये आ जाएगा 8 sin theta plus 6 cos theta, right? इसको अपन क्या करेंगे, ये देखिए sin theta के आगे 8 है और cos theta के आगे 6 है, है ना? तो अपन एक काम करते हैं, अंडर रूट ऑफ 8 square plus 6 square निकालो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 8 square plus 6 square किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, अपन एक तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना? और 10 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, राइट? तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 को साइन थीटा के अलग अलग और कॉस थीटा के भी अलग, सर आप म्यूट हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट रखते हैं। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। 3/4 मैं ये कह रहा था कि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो ये 4/5 आ जाएगा। हाँ। ये 3/5 आ जाएगा, तो 4/5 को लिख दिया cos 37 और 3/5 को लिख दिया sin 37। समझ में आ रही है बात? और सर मुझे तो ऐसे वैल्यूज नहीं पता, sin 37 cos 37 क्या कह रहे हो आपने? cos 37 आया कहां से? cos 37 कहां से आया? आया कहां से मतलब cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है, आपको पता नहीं है क्या? ये जैसे cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, cos 60 की वैल्यू 3/2 होती है, वैसे cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है। सर लेकिन मिला कहाँ से? मिला कहाँ सर? वो तो निकाल लेंगे, पर सर cos 3/5 की वैल्यू निकालनी चाहिए ना, अपने cos 4/5 की क्यों निकालो? मैं समझा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 4/5 था, तो 4/5 किसके बराबर होता है? cos 37 के बराबर होता है ना सर? हाँ सर समझा, आपने 3/5 को अपना sin 37 में कन्वर्ट कर दिया और 4/5 को cos 37 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उसका वैल्यू सेम होता है ये ना। हाँ, cos 37 का वैल्यू भी 4/5 होता है, तो 4/5 की जगह मैंने cos 37 लिख दिया। हाँ सर समझा भी, और 3/5 की जगह sin 37 लिख दिया, बस ये काम किया। नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। समझा सर। तो ये हो गया, ये वाला वो फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है? सर साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए कौन है? थीटा। थीटा साइन थीटा प्लस 37 और ये 10 इनटू 10। सही बात है? गलत बात? हाँ सर।
तो x1 plus x2 आपका फाइनली किसके बराबर आ गया? सर बी ऑप्शन के बराबर आ गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ सर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन फंक्शन की? हाँ सर। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी होती है? सर वन, वन होती है। वन होती है। तो x1 plus x2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? टेन। वन प्लस टेन इंटू वन, टेन होगी ना? हाँ सर, टेन इंटू वन। हाँ हाँ, टेन होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर। ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अगला क्या है? x1 into x2, x1 into x2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? एट इंटू सिक्स साइन थीटा कोस थीटा, राइट? हाँ सर। तो ये आएगा 48, 24 इंटू टू साइन थीटा कोस थीटा, आया ना? हाँ सर। तो ये 2 sin theta cos theta sin 2 theta बन गया। क्या हो जाएगा? 24 sin 2 theta हो गया ना? sin 2 theta। हाँ सर। तो सी ऑप्शन भी आ गया। हाँ सर। ऑप्शन क्या है? x1 upon x2, x1 upon x2, हाँ। 8 by 6 is equal to 4 by 3 tan theta upon cos theta। हाँ सर। tan theta। तो 4 by 3 tan theta। 4 by 3 tan theta। सही है सर। मतलब चार ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन सही है इसके। सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ सर। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। आगे चलता हूँ। बस एक पहला ही पार्ट दिया था ना इसका आपको करने के लिए, सेक्शन ए ही दिया था ना? हाँ, खाली सेक्शन ए दिया था सर। चलिए, कहाँ तक पढ़ाया था वो बता दीजिए। सर कल आपने ये डिफरेंशिएशन में कुछ प्रैक्टिस करवाया था और प्रोडक्ट रूल और चेन रूल भी पढ़ा दिया था। चेन रूल पढ़ा दिया था, प्रोडक्ट रूल और वो पढ़ा दिया था ना? आवाज बहुत कम आ रही है। मेरी भी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ सर, थोड़ा कम आ रहा था बीच में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप अगला काम करते हैं। y is equal to ln of x की पावर 4 plus 1, find dy by dx। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। सबसे पहले क्या करेंगे?
सर वन बाय वन बाय एक्स रेस टू फोर प्लस वन कर देंगे, एक्स रेस टू फोर प्लस वन हो जाएगा, वन बाय एक्स रेस पर फोर प्लस वन मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में ln के अंदर में फिर इसको सॉल्व करके लिखेंगे ना, ln के अंदर जो फंक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, अभी तक ये ln का डिफरेंशिएशन हुआ राइट? हाँ सर, ये ln का इसके अंदर में जो हमने कुछ नहीं किया, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हाँ सर, 4x raise to 3 plus 0 आंसर आ गया 4x cube upon x raised to 4 plus 1 है ना? हाँ सर, मुझे वो क्वेश्चन समझा नहीं, अब क्या करेंगे? सर सबसे पहले थ्री को नीचे लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू एल एन x raise to 4 plus 1 whole का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 नहीं है, सबसे बाहर वाला फंक्शन सॉल्व करेंगे तो ये 1 by 3 है, ठीक है? ओ अच्छा, ये 1 by 3 है, क्या करेंगे? सर तो 1 by 3 को नीचे लेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे है ना, अंदर वाला फंक्शन अभी, हाँ सर, as it is रहेगा, हाँ, की पावर माइनस टू बाय थ्री में, अब ln का डिफरेंशिएशन, अब वापस फिर वही काम कर देंगे जो पहले किया था, हाँ सर, सर लेकिन फिर यहाँ पे फंक्शन के अंदर में भी एक फंक्शन वो है ना, हाँ हाँ, तो पहले ln का करेंगे, अंदर वाले डिजिट्स रखेंगे, ln का किया 1 बाय x की पावर 4 प्लस 1, फिर अंदर वाले का करेंगे 4x की, समझे? हाँ सर, तो ये आ जाएगा 4 by 3 x cube upon x की power 4. सर ये chain rule से solve कर रहे हैं ना? हाँ. समझे क्या? तो 1 raise to 4 plus 1 कैसे आया? कहाँ से समझ में नहीं आया? सर वो ln का differentiation किया तभी. ln x का differentiation क्या होता है? 1 by x. तो ये ln के अंदर था, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन ही समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा ना उससे? हाँ सर, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वो ये था, y is equal to ln t and t is equal to x की पावर 4 plus 1, right? तो यहाँ से तुमने किया d by by dt 1 by t, और यहाँ से तुमने किया dt by dx 4x cube, आपने दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, dy by dt into dt by dx, dy by dx, और राइट हैंड साइड में आ गया 1 by t, और t किसके बराबर है? x की पावर 4 plus 1 into 4x, समझा? ये दोनों चीजें सेम है, समझे? हाँ सर, सर मतलब वो ln का डिफरेंशिएशन के साथ वो वेरिएबल, हाँ वो डायरेक्ट कर दिया ना अपने, ln के अंदर जो फंक्शन है उसको एक बार छेड़ना ही नहीं है, जब ln का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ln का कर रहे हैं तो उसके अंदर हाँ क्या था, ये पूरा था तो उसको नीचे ले आए, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है, तो x की जगह पूरा फंक्शन था, इस फंक्शन को ले आएंगे नीचे, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x cube plus 0, समझा क्या? हाँ सर, ये सर, किसी को डाउट है? नो सर, आगे चलते हैं, अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूं कि z इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू some function of x, है ना? ऐसे बोलो,
तो आप इसको क्या करोगे? अगर मैं आपसे ऐसे पूछा जाए कि डी जेड बाई डी एक्स बताओ, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, सुनो पहले मेरी बात सुनो, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डी जेड बाई डी एक्स बताओ, या फिर मैं जेड की जगह ये वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बताओ, है ना? क्योंकि जेड ही क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताना है। तो अगर आपसे मैं ये वाली पहली वाली बात बोलता कि डी जेड बाई डी एक्स बताओ, तो तुम कैसे करते है इसको, इस चीज को कैसे सॉल्व करते? यहाँ से आप डी जेड बाई डी वाई करते, सही बात है? यहाँ से करते डी वाई बाई डी एक्स, है ना? समझ में आ रही है बात? डी जेड बाई डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पूछा जा रहा था कि डी जेड बाई डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी जेड बाई डी एक्स किसके बराबर आता है? टू वाई इंटू, मतलब ये एफ डेस एक्स अगर आपको नहीं पता है तो इसके साथ आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, ये टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही बात है? गलत बात? सही है सर। अरे हाँ है ना, हाँ सर, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि dz by dx क्या था, y square का differentiation था, किसके respect में, x के respect में, इसका आंसर आपने क्या लिखा? हाँ सर, 2y into dy by dx, 2y dy by dx। और पहले अपने y square का, ये 2y क्या है, 2y y square का differentiation, z का differentiation y के respect में है, मतलब y square का differentiation y के respect में है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, तो हाँ y सर का y के रिस्पेक्ट में 2y है, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx है, समझ में आ रही है बात? तो जब भी मैं ये बोलूं कि y square का differentiation x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि पहले इसका खुद के रिस्पेक्ट में 2y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो ये y square का differentiation x के रिस्पेक्ट में होगा, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हाँ सर, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तकलीफ है बेटा? हाँ सर, अगर मैं ऐसे बोलूं कि वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आंसर क्या होगा बताइए सर? 3y square dy by dx, 3y square into dy by dx, है ना? हाँ सर, अगर मैं y cube की जगह अगर आपको ऐसे बोलता कि x cube का differentiation x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सर 2x square, 3x square, हाँ सर 3x square, क्योंकि अपन ने x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में लिखा है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, लेकिन अपन y क्यूब का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले इसके खुद के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर हो गया, फिर y को x के रिस्पेक्ट में dy by dx, समझे क्या? हाँ सर, सर तो जब भी y का किया जो 3y स्क्वायर आया वो y क्यूब का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y, हां 3y स्क्वायर जो है वो y क्यूब का डिफरेंशिएशन है y y के रिस्पेक्ट में, ओके सर, जैसे x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर है ना? हाँ सर, तो y क्यूब का अगर पूरा x के रिस्पेक्ट में चाहिए तो पहले उसका खुद के रिस्पेक्ट में करिए, y के रिस्पेक्ट में करिए, दैट इज 3y स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में y का x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, समझे क्या? हाँ सर, किसी बच्चे को तकलीफ है इस बात में? आगे चलता हूँ, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, ये लीजिए,
हो गया ऐसे। तो अभी मैं आपको एक हेडिंग डाल दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन पता है कौन से होते हैं? जिसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते y is equal to f of x, जिस फंक्शन को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, समझे क्या? ओके। अब सर हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि y is equal to f of x, मतलब कहने का क्या मतलब है कि y की टर्म इक्वालिटी के एक साइड में, इक्वालिटी के एक साइड में y की टर्म और एक साइड में x की टर्म, ऐसे होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे कि मैं ऐसे बोलूं कि x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलता हूं x cube plus y cube plus 3xy is equal to 5। अब इसमें y और x को अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं। इक्वालिटी के एक साइड में y रह जाए और दूसरी साइड में x रह जाए, ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ सर। जैसे मैं एक इक्वेशन और लिखता हूँ x square y is equal to 3, इसमें कर सकते हो आप, x square को उधर ले जाओ y is equal to 3 by x square, equality के एक साइड में x की टर्म रहेगी एक साइड में y की टर्म रहेगी, है ना? हाँ सर। लेकिन इसमें ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ सर। करके देखो, इक्वालिटी के एक साइड में केवल y रहना चाहिए, x नहीं होना चाहिए कभी, इक्वालिटी के दूसरी साइड में केवल x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। नहीं सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसमें y और x आपस में कैसे इंटररिलेटेड है अपन ऐसा डिटेक्ट नहीं कर सकते, समझ में आ रही है बात? और अपने को इसमें डिफरेंशिएशन करना है, अपने को निकालना है dy by dx, हमें dy by dx निकालना है, तो कैसे करेंगे? हमें डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन जो है ना इसको डिफरेंशिएट कर दो। हाँ सर। डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x² 3x² 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 x cube का x के रिस्पेक्ट में 3x², y cube का x के रिस्पेक्ट में बताओ कितना होगा? 3y² 2y² 3y² 3y² ये x के रिस्पेक्ट में है क्या y cube का? सर y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद में फिर dy by dx से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाँ, इसको dy by dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तब ये y के x के रिस्पेक्ट में आएगा, सही बात है? गलत बात? प्लस हां सर, सही है। 3 तो एज इट इज कांस्टेंट है क्योंकि मल्टीप्लाईड है, 3 x into y का डिफरेंशिएशन करना है, तो x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन dy / dx, फिर y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1, है ना?
इक्वल टू फाइव का डिफरेंशिएशन जीरो राइट। सुन रहे हो क्या? ऐसा क्यों? देखिए y और x दो मल्टीप्लाइड में है आपस में, तो दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, एक y हो गया एक x हो गया। जैसे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना, कैसे करते हैं? पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को एज इट इज रखते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसा करते हैं ना। सुन रहे हो क्या? हाँ सर। तो x का खुद के रिस्पेक्ट में कितना होता है? वन होता है। और y का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? अब अपने को पता नहीं कितना होगा, तो अपन उसको dy by dx लिख देते हैं। सही बात है गलत बात? हाँ सर। अरे हाँ है ना, जो भी होगा उसको dy by dx, हाँ, क्योंकि अपने से तो पूछा ही यही गया है ना कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या है, यही तो पूछा गया है। हमको नहीं पता, हमने dy by dx ही लिख दिया। सही बात है। हाँ सर। तो इसमें मैंने यही किया है, पहले x को एज इट इज रखा और y का डिफरेंशिएशन किया। तो x को एज इट इज रखा और y का डिफरेंशिएशन किया, तो y का डिफरेंशिएशन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने जो था बस उसको एज इट इज लिख दिया कि ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सही बात है गलत बात? फिर मैंने y का डिफरेंशिएशन रखा और x का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, होता है ना? हाँ सर, कांस्टेंट x का 1 होता है। y इक्वल टू x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है ना ये? हाँ सर, 1 आता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या था? dy by dx निकालना था। तो dy by dx कहाँ कहाँ पे? एक तो इस टर्म में है, एक इस टर्म में। इन दोनों टर्म को x इधर रखो, बाकी टर्म को उधर ले जाओ। तो इस टर्म में क्या है? 3y2। इस टर्म में क्या है? 3x। तो 3y2 प्लस 3x इन दोनों टर्म के साथ dy by dx है। सही बात है गलत बात? बाकी टर्म कौन सा? dy by dx को कॉमन निकाल लिया। हां, बाकी टर्म बच गई 3x2 और 3xy। सही बात है गलत बात? माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, x2 प्लस y डिवाइड बाय ये वाली टर्म, इसमें भी 3 को कॉमन ले लेते हैं, y2 प्लस x, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास dy by dx किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ x2 प्लस y अपॉन y2 प्लस y। तकलीफ है बेटा? हाँ सर, समझो। अभी अपने को यही निकालना था ना, dy by dx से तो निकालना था। और हमसे पूछा कि dy by dx बताओ, तो हमने भी dy by dx ऐसे निकाल के दिया जिसमें y और x को आप अलग अलग नहीं कर सकते, है ना? ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट है और कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं है? इसमें y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें y और x को अलग अलग कर सकते हैं क्या? आप किसी भी तरीके से जोर लगा के देख लीजिए, इक्वालिटी में, इक्वालिटी के एक साइड में केवल y के टर्म, इक्वालिटी के दूसरे साइड नहीं सर, नहीं जाएगा, नहीं कर सकते। ये इंप्लिसिट फंक्शन है, जिसमें कर सकते हो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर, अभी समझो। इस पे क्वेश्चन देता हूँ, वो करके देखो, ठीक है? देख लिया सभी बच्चों ने? एक सेकंड। हाँ सर।
लिखने के बाद हो गया। हाँ सर, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बताओ। x square y plus y square x is equal to 5xy. Find dy by dx. Solve karo. हाँ जी, हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है सर। करो फोन करो सर। इधर जो 5xy है तो उधर भी तो जो y का डिफरेंशिएशन तो अपने को पता नहीं, तो उसको भी dy by dx ही लिखेंगे ना। क्या कह रहे हो सर? इज इक्वल टू कि यहाँ पे जो 5xy है तो x का तो 1 ही हो जाएगा, तो 5 into 1 हो जाएगा 5, और y का अपने को पता नहीं है तो dy by dx ही लिख देंगे ना y को। हाँ 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 हाँ, सर 5xy का 5 into y plus x dy by dx आएगा क्या? 5 into y plus x into dy by dx, हाँ सही कह रहे हो। मैं सॉल्व करूं या कर रहे हो तुम लोग? सर आप एक बार दिखा दीजिए सर। हाँ सर, तीन टर्म है हमारे पास, तीनों टर्म का अलग अलग करता हूँ। सबसे पहले पहली टर्म का, ठीक है, फिर दूसरी टर्म का, फिर टर्म का। सबसे पहले पहली टर्म का करता हूँ। तो पहली टर्म में हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं, एक तो एक्स स्क्वायर और एक वाई। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सब सबको एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में किया 2x सर, 2x। तो अगर एक्स स्क्वायर का कर दिया तो वाई को एज इट इज रखेंगे बस। हाँ सर, हाँ सर। एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और वाई का करेंगे, तो वाई का पता नहीं है इसलिए dy by dx। तो ये पहली टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हाँ सर। अब इसके प्लस में है दूसरी टर्म, दूसरी टर्म का करेंगे। दूसरी टर्म में भी हमारे पास y स्क्वायर और x दो है, तो पहले y स्क्वायर का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ? 2y। 2y किसके रिस्पेक्ट में है?
और फिर एक्स को एज इट इज रखेंगे क्योंकि y स्क्वायर का कर दिया अपन ने x प्लस y स्क्वायर एज इट इज और x का हो गया 1 अभी x का करेंगे तो 1 ये दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया समझ में आ रही है बात इज इक्वल हां सर 5 की बात करते हैं 5 xy के अंदर xy का डिफरेंशिएशन करते हैं और पहले किसका करें x को एज इट इज रखते हैं y का डिफरेंशिएशन करते हैं y का पता नहीं है इसलिए dy by dx बस y को एज इट इज रखते हैं x का डिफरेंशिएशन करते हैं x का 1 हो जाएगा आया ना हाँ सर अब अपने को निकालना क्या था dy by dx कहाँ कहाँ पे है एक तो यहाँ पे है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है इनको एक साइड में रखो x square आ गया इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 2xy और यहाँ पे आ गया 5x ये उधर जाएगा तो माइनस का 5x आया ना माइनस 5 होगा इन सब में से dy by dx को कॉमन ले लिया हाँ सर तो राइट साइड में आ गया राइट साइड में ये आ गया 5y यहाँ से कितना आ गया y स्क्वायर और यहाँ से आ गया 2xy आया ना हाँ dy by dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई सर 5y माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy उसका 5y सर नीचे वाले में से डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 5x है ना हाँ सर तकलीफ है किसी को समझ सर वो जो कोएफिशिएंट निकाले ना आपने सबका वो वाला एक बार वापस बताओगे कौन सा जो कोएफिशिएंट निकाला ना सब dy by dx का dy by dx का कोएफिशिएंट हाँ सर देखिए dy by dx को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है x स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पे भाई dy by dx को किस किस से मल्टीप्लाई कर रखा है 2y से और x से 2x से हो गया यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रखा है 5x तो 5x हो गया जब ये टर्म इधर लेके आएंगे और फिर कॉमन हाँ सर तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा सर उसके आगे और कुछ हो सकता है क्या नहीं नहीं इक्वल टू के इधर क्या है क्या कह रहे हो इक्वल टू के इधर ये वाला बाकी जो टर्म बच गए dy by dx के अलावा यहाँ पे क्या बच गया 5y यहाँ पे क्या बच गया y स्क्वायर तो उसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का y स्क्वायर यहाँ पे क्या बच गया 2xy इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2xy समझे हाँ सर सर वो लास्ट स्टेप के बाद और कुछ हो सकता है क्या आगे नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन तो हो गया वैसे करना चाहो तो कर लो ऊपर वाले में से y कॉमन निकाल दो ये सब आगे मैथमेटिक्स है ना माइनस के y को कॉमन निकाल दो ये y बन जाएगा y प्लस 2x माइनस का 5 है ना और नीचे वाले में से x कॉमन निकाल दो तो x प्लस 2y माइनस का 5 करना चाहो तो ये सब चीजें कर सकते हो वरना कोई फायदा नहीं मतलब कोई मतलब नहीं है इन चीजों का ठीक है हाँ सर तो ऑप्शन में अगर दे रखा है तो कर लो अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो जरूरत नहीं है तकलीफ है बेटा किसी को
नो सर एक चीज हो रहा है, क्लियर कर दो ना इसको। हाँ सर, अगर x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos x ये डिफरेंशिएशन तब होता है जब x रेडियन में हो। किसमें हो? रेडियंस, वेयर x इज इन रेडियन। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि sin ऑफ x डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ऑफ x डिग्री, ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूं सर, एक में कन्वर्ट कर फिर लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो ये बात गलत है सर। पहले x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में उसका, पहले x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कितना होता है, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के बराबर, राइट? तो 1 डिग्री होगा पाई बाय रेडियन, 180 x डिग्री किसके बराबर होगा? पाई बाय 180 इनटू x रेडियन। मेरी बात? हां सर, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, पहले पाई बाय 180 इनटू x, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये किसके बराबर आएगा? पहले साइन का करेंगे तो cos, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, राइट, इनटू अंदर वाले का, हाँ सर, पाई बाय 180। अरे हाँ, या ना पाई बाय 180 इसका कितना होगा? पाई बाय 180 होगा, क्योंकि पाई बाय 180 कांस्टेंट है। ये हाँ सर, बस जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो साइन एक्स डिग्री था, हाँ, ये हो गया कॉस एक्स डिग्री, तो ये आ गया पाई बाय 180 इनटू कॉस एक्स डिग्री। समझ आ रही है बात? हाँ सर, बस वही कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, साइन एक्स डिग्री को आ डिफरेंशिएशन पाई बाय 180 इनटू कॉस एक्स डिग्री होता है, ना कि कॉस एक्स डिग्री, ये गलत है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ सर, इसी तरीके से बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके लिए ये चीज है। ठीक है, ओके सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन डबल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, डबल, ओके सर, यस सर। आप इसका नोट्स भेज देंगे ना? यार इसका नोट्स है ना मेरे पास, इसमें पीडीएफ में सेव नहीं होता, पिक्चर होती है अलग अलग, सबके ना अलग अलग पिक्चर। हाँ सर, आप एक बार, हाँ, फर्स्ट पेज की पिक्चर हो गई, सेकंड पेज की पिक्चर हो गई, थर्ड की हो गई, फोर्थ की हो गई, फिफ्थ की हो गई, ऐसे पिक्चर सेव होती है, इनकी सबकी अलग अलग पिक्चर सेंड कर सकता हूँ। ओके सर, चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो फिर पीडीएफ में, पहले देखता हूँ मैं, कुछ मत्था मारता हूँ, अगर होगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर अभी आगे भी कुछ करना है क्या उसमें, शीट में? नहीं, अभी शीट में एक बार डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने दो, उसके बाद दूंगा ऊपर। ठीक है, ओके सर, बाय एवरीवन। सभी को समझ में आया ना वो पढ़ाया आज? यस सर। हां सर, समझ गया। डबल डिफरेंशिएशन से चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बता दे रहा हूं। हां सर, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।